हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आज मैं कुछ अलग लाया हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 5 वियर्ड ऐप्स जो मुझे नहीं लगता पता नहीं क्यों बनाई गई हैं और किस लिए बनाई गई हैं। तो मैं उन ऐप के बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहली है यू कैम मेकअप। तो यहाँ आपको फोटो एडिट करने का सिंपल सा ऑप्शन मिल जाता है और एक जिसकी वजह से मैंने इस ऐप को डाला है इस एपिसोड में, वो है इसका सेल्फी फीचर। तो जैसे ही आप नॉर्मल फोटो एडिट कर सकते हैं वो फीचर भी यहाँ अवेलेबल है, लेकिन जो सेल्फी फीचर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने ऐप ओपन करी हुई है, यहाँ पे आपको सेल्फ़ी फ़ीचर मिल जाता है। तो चलिए सेल्फ़ी फ़ीचर को ओपन कर लेते हैं। तो सेल्फ़ी फ़ीचर को हम यहाँ ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ आपको सिंपल से फ़िल्टर मिल जाते हैं, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ आपको मेकअप ऑप्शन मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये आपकी आईब्रोज, आपकी लिप्स पे लिपस्टिक वगैरह लगा देता है। तो मुझे नहीं लगता है इस ऐप का क्या यूज़ है और ये क्यों बनाई गई है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ मेकअप के लिए ही बनाई गई है, मेरे हिसाब से जो लड़कियाँ या जो गर्ल्स यूज़ करती हैं सिर्फ उनके लिए। लेकिन फिर भी मुझे ऐप काफ़ी अजीब लगी और काफ़ी वियर्ड लगी। आप देख सकते हैं किस तरीके के पूरा मेकअप इससे फेस पे आ जाता है। तो इसलिए मैंने इस ऐप को इस एपिसोड में रखा है। मुझे पता है आप में से कई लोग मुझसे एग्री करने वाले हैं और कई लोग डिसएग्री भी करने वाले हैं, बट फिर भी मुझे वियर्ड लगी तो मैंने इस ऐप को इस एपिसोड में रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितनी वियर्ड एप्लीकेशन है और आगे आप देखेंगे मैंने इस ऐप के साथ थोड़ी मस्ती भी की है। तो बढ़ते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ जो है वर्न द हिमालयस। तो नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन हिमालयस से क्लियर हो जाता है कि एप्लीकेशन हिमालयस के बारे में ही है। तो अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे भाई तू पागल है, तूने ये ऐप क्यों रख दी यहाँ पे। तो मैं इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि ये ऐप मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइप की भी कोई एक एजुकेशनल ऐप बन जाएगी। तो मैंने इसलिए इसको रखा है क्योंकि इस एप्लीकेशन ये पूरी तरीके से एजुकेशनल ऐप है। यहाँ आपको पूरा टूर देता है हिमालयस का, बेसिकली वर्चुअल टूर। एक छोटे से वर्चुअल एक आप वर्चुअल यहाँ पे एक बंदा मिल जाता है, आप वो बन के पूरा वर्चुअल टूर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एक करेक्टर है, आप करेक्टर के थ्रू वर्चुअल टूर ले सकते हैं हिमालयस में क्या क्या है, कौन कौन लोग गए हैं, कहाँ कहाँ फ़ोटोज़ ली हैं, कौन कौन सा माउंट एवरेस्ट है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी एजुकेशनल ऐप है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप कभी इन फ्यूचर हिमालयस या उसकी जैसी कोई जगह पे जाना चाहते हैं। तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रेकमेंड करूँगा ये ऐप इंस्टॉल करें। तो यहाँ आपको आप ग्लाइडिंग जैसे भी फीचर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप ग्लाइडिंग कर सकते हैं, इवन आप टेंट्स में जा सकते हैं। कुछ शॉप्स हैं जो रियलिटी में हिमालयस पे हैं, आप उन शॉप्स में भी इस ऐप के थ्रू जा सकते हैं और वहाँ पे आप एक वर्चुअल फ़ोटो देख सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू के कि वो इस टाइम पे कैसी लग रही है। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है माउस प्रैंक। अरे भाई इस ऐप के बारे में क्या बोलूँ, ये तो इतनी घटिया एप्लीकेशन है, इतनी घटिया एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, स्टार्ट रैंक, स्टॉप रैंक और सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप माउस की जो वो है, माउस किस टाइप का आपको लेना है वो चेंज कर सकते हैं। चार पांच टाइप हैं यहाँ पे और आप इसकी सेटिंग भी सेट कर सकते हैं। इस टाइप की और भी एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं नीचे सेटिंग्स के नीचे चार ऐप्स के सजेशन आ गए हैं। मुझे तो यही पसंद नहीं आई, उन चारों को तो गलती से भी इंस्टॉल नहीं करूँगा। जैसे आप स्टार्ट प्रैंक पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे माउस आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे ही रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये आपकी स्क्रीन से जाने वाले नहीं है जब तक आप इसे स्टॉप नहीं करते। तो इसका क्या मतलब पड़ा है मेरे को नहीं समझ आता, आप क्यों करेंगे ये। अब आप सोचेंगे अपने किसी फ्रेंड को इससे प्रैंक कर दें, तो आपका फ्रेंड भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, कहीं गाँव से नहीं आया वो। तो ये बहुत अजीब ऐप है। अब अगली एप्लीकेशन है शेक मी। तो शेक मी में अगर आप आते हैं तो आपको कुछ दिखता ही नहीं है, यहाँ सिर्फ एक इंटेंसिटी का बार है नीचे की तरफ और कुछ नहीं है। जब आपको पता तब चलेगा इस एप्लीकेशन में क्या है जब आप इसे शेक करेंगे और एक बैटमैन आएगा डांस करता हुआ। तो यार ये क्या है, मुझे ये भी समझ नहीं आया कि बैटमैन डांस करता हुआ आएगा। जब मैंने इंटेंसिटी फुल कर दी तो मतलब आप देख सकते हैं मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक बैटमैन है और ये पूरी टाइम ऐसे ही करता रहेगा। मैंने 15 मिनट इस एप्लीकेशन को ओपन करके देखा, ना इसमें कोई सेटिंग है ना इसमें कुछ है, बिल्कुल ही बकवास एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं ऐसे ही है। अब अगर आप शेक करेंगे अपने हैंड्स को तो ऐसा ही आएगा। अगली एप्लीकेशन तो माशाल्लाह क्या एप्लीकेशन है, एंटी मॉस्किटो। और ये एप्लीकेशन दावा करती है कि आपके घर के सारे मॉस्किटोज़ को मार देगी। तो ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट आज से बंद कर दो, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सब यूज़ करना बंद कर दो, इसी ऐप को यूज़ करो। और इस ऐप का दावा है कि ये एक अल्ट्रासाउंड निकालती है जिससे आपके जो आसपास के मॉस्किटोज़ हैं वो सारे मर जाएंगे या फिर भाग जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही बकवास ऐप है। मैं क्लियरली कह रहा हूँ यहाँ आपको और कुछ नहीं मिलता, एक नाइट मोड मिलता है तो आपको लगेगा शायद नाइट के लिए होगा, लेकिन नहीं, वो सिर्फ थीम चेंज करता है ऐप की। तो क्या बकवास है।
अगली ऐप है स्क्रीन प्रैंक्स। तो बेसिकली ये आपको माउस प्रैंक की तरह ही है, लेकिन ये उनसे और आगे हैं, ये माउस प्रैंक से भी आगे हैं। माउस प्रैंक से आगे कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने माउस के अलावा सारे एनिमल्स रखे हुए हैं, स्क्रीन क्रैकिंग इमेजेस रखे हुए हैं और काफ़ी वो और अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स रखे हुए हैं एज़ कम्पेयर टू माउस प्रैंक। तो मैं इनको दिखाना चाहता था आपको इसीलिए। तो मेरे हिसाब से इनका भी कोई यूज़ नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन अब गंदी लग रही होगी यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके के आपको इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं यहाँ, कई इफ़ेक्ट हैं जैसे स्टेटस बार हो गया, कलर्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ब्रोकन स्क्रीन हो गई, अपनी इमेज भी आप इंसर्ट कर सकते हैं और किसी फ्रेंड को पागल बना सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब तो करिए ही करिए हमारे चैनल को। और मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।